News 18, India. कि अंबाला पुलिस ने संदिग्ध ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये वो ड्राइवर्स हैं जो बड़ी मशीनों के साथ आंदोलन में पहुंचे। पुलिस को इन पर शक है कि इन बड़ी मशीनों के जरिए ये ड्राइवर सरकारी संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने इन ड्राइवर्स को जो है फोटो भी जारी कर दी है। फोटोज भी हम आपको दिखाते हैं। अंबाला की पुलिस की ओर से इन ड्राइवर्स की तस्वीरें जारी की गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और पुलिस को शक है कि इन लोगों के जरिए ही ये हैवी मशीन्स लाई गई हैं और इन बड़ी मशीनों के जरिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लिहाजा पहले ही इनकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, कहीं भी देखा जाएगा तो इन पुलिस को सूचित किया जाए। और दर किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट को बंद रखने की जो समय सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया है। अब आज रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद साथ ही सिरसा में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। और यह कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़ने पाए और अफवाह फैलाने की अगर कोशिश की जाए या इन इंटरनेट सेवाओं के जरिए अगर लोगों को एकजुट करने की, एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो उसके ऊपर रोक लग सके। अब 7 जिले ऐसे जहां पर आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद की जो समय सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया है। 4 दौर की बातचीत अब तक सरकार और इन आंदोलनकारियों के बीच हो चुकी है। कब से शुरुआत होती है बातचीत की वो ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। पहली बैठक होती है 8 फरवरी को। इस दौरान 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई सरकार के नुमाइंदों और किसानों के बीच में। दूसरी बैठक 12 फरवरी को होती है। 5 घंटे ये भी बैठक चलती है लेकिन बेनतीजा रहती है। तीसरी बैठक होती है 3 दिन बाद 15 फरवरी को। 6 घंटे ये भी बातचीत हुई लेकिन यहाँ भी नतीजा नहीं निकला। चौथी बैठक 18 फरवरी को, और इस दौरान केंद्र ने एक प्रस्ताव रखा कि 5 फसलों पर MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस गारंटी हम आपको देते हैं, जिसे किसानों ने 24 घंटे बाद ठुकरा दिया। और अब किसान आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, दिल्ली की तरफ तो बढ़ेंगे अब बड़ी तैयारी के साथ। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। 26 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचेंगे जहां पर पीड़ित महिलाओं के साथ मुलाकात उनकी होगी। और कल कोलकाता हाईकोर्ट की इजाजत मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच चुके हैं।